होली पर सभी के यहाँ दही भल्ले कांजी बड़े तो बनते ही हैं। क्यों ना इस होली पर हम आपको एक अलग तरीके से दही भल्ले और कांजी बड़े बनाकर दिखाएं, वो भी बिना ऑयली। आप यकीन करेंगे कि बिना तेल पे और सेके हमने ये कांजी बड़े और दही भल्ले बनाए हैं। अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखें कि हमने बिना तले कैसे दही भल्ले और कांजी बड़े बनाए हैं। तो दही भल्ले और कांजी पड़े के लिए हमने ये चटनी के लिए हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च और ये मसाले लिए हैं। और ये दाल हमने रात को भिगोकर रख दी थी, ये हमने मिक्सी की सहायता से पीस लिए। और ये दही भल्ले के लिए हमने दही लिया है हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही भल्ले और कांजी बड़े बनाना। दही भल्ले कांजी बड़े की जो हमने दाल पीसी है इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे और इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से चलाएंगे। फिर इसमें चुटकी भर खाना सोडा डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। कम से कम हमें ये 5 मिनट तक फेंटते रहना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये हमारा बैटर फिट कर तैयार हो चुका है। दही बड़े बनाने के लिए स्टीमर में पानी डालेंगे। ये हमने 1 कप पानी डाला है और ये इडली का ओवर रखेंगे। इसमें घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद जो हमने बड़े का बैटर तैयार किया था वो बैटर डालेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे स्टीम होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये हमारे दही बड़े स्टीम हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। अब इनको हम ठंडे पानी में, आइस के पानी में डालेंगे। तो ये हमारा बर्फ़ का पानी तैयार है, अब हम इसमें दही बड़े डालेंगे। अब हम इस बड़ों को निकाल कर अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे। अब इसमें सौंठ डालें। अब इसमें चटनी डालेंगे। चटनी के बाद और ऊपर से थोड़ी बहुत सौंठ डालेंगे, ऊपर से थोड़ा और दही डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर, नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला डालेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे दही बल्ले। कांजी बड़े का पानी बनाने के लिए ये हमने धनिया लिया है और ये पुदीना और ये कुछ मसाले लिए हैं, ये हम इसमें डालेंगे। ये आमचूर पाउडर, ये नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये काली मिर्च, गरम मसाला, काला नमक और ये जीरा और ये 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी की सहायता से पीस लेंगे। तो ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, हमने ये मिक्सी में से निकाल लिया। सबसे पहले हम कांजी पड़े की ये चटनी जो हमने बनाई है वो एक बाउल में डालेंगे और उसमें 1 बाउल पानी डालेंगे। तो ये हमारा पानी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे। तो ये हमने 1 बाउल पानी और डाल दिया है। अब इसमें हमने जो हमने बड़े बनाए हैं वो डालेंगे और भुना हुआ जीरा डालेंगे और ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। और जो पुदीने के पत्ते हैं वो डालेंगे। तो देखिए हमारे ये कांजी बड़े तैयार हैं बनकर। तो जैसा मैंने बताया था आपको, बिना तले कांजी बड़े और हमने दही भल्ले बनाए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें।